वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सना एंड आज का वीडियो होने वाला है ब्राइडल स्पेशल। सो गाइज, आज का वीडियो मैंने स्पेशली जितनी भी ब्राइड टू बीज हैं या फिर जितने भी मेकअप लवर्स हैं ना, उन लोगों के लिए, बिकॉज आज मैं बताऊंगी कि आपकी वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए। एंड आई हैव ट्राइड टू कीप ऑल द थिंग्स वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें ही रखी है मैंने अपनी वैनिटी में। होप कि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगेगी एंड डोंट वरी, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। मैं सबसे पहले बात करती हूँ मेकअप बॉक्स या मेकअप वैनिटी की, ये आपको किस टाइप की लेनी चाहिए। सो आई हैव टू ऑप्शंस हियर। फर्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज वेरी प्रिटी मेटालिक पिंक मेकअप किट। ये छोटी सी वैनिटी है, इसके अंदर आपको ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर ऐसा मिरर भी मिल जाएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत आप देख के मेकअप कर सकते हो। नाउ दिस किट इज क्वाइट स्मॉल, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही किट में अपना मेकअप रखना है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अदरवाइज आई हैव अनदर किट विच इज माय फेवरेट, लेट मी शो यू। सो दिस इज द किट, दिस इज क्वाइट हैवी बट ये दिस इज अ लाइफ सेवर एंड दिस लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट फॉर 1400-1500 और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इफ यू आर ब्राइड टू बी गो फॉर दिस वन। आई टेल यू वाई, इसके अंदर इफ़ यू डोंट वॉन्ट ब्लैक ना, इसके अंदर आपको पिंक कलर भी मिल जाएगा, सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। आप इसको यहाँ से भी उठा सकते हो या फिर इसके साथ एक स्ट्रैप आती है जो आप इसको साइड्स में लगा के अपने शोल्डर पे इसको कैरी कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, दे हैव गिवन वन मोर ऑप्शन, जैसे कि आपका बैग होता है ना, लगेज बैग, आप उसके अंदर भी यहाँ से इसको ऐसे इंसर्ट करके आप आराम से अपने लगेज पे रख के इसको कैरी कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड एज आई सेड इसके अंदर आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। सो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, बट अगर आपको ज़्यादा मेकअप नहीं रखना है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, दिस इज रियली अफोर्डेबल। इसमें भी काफ़ी हद तक बहुत सारा सामान आ जाता है बट इसके अंदर काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो इट इज़ जस्ट वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी टू यूज़, तो मुझे इसलिए बस ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इसको ओपन करके बताती हूँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या है। दिस इज़ क्वाइट हैवी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अपर सेक्शन। सो गाइस, ये वाली किट है ना, इसके अंदर दो जिप्स दिए हुए हैं, एक है ऊपर की साइड में, ये नीचे की साइड में एक जिप है जो कि मेन जिप है। बट मैं पहले आपको ऊपर की साइड दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा एंड सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा असेंशियल रखी हैं एज यू ऑल कैन सी ऑलरेडी। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस वाली ऊपर वाली पॉकेट में क्या क्या है, ठीक है। सो गाइस, जैसे आप ऊपर वाली साइड ओपन करते हो ना, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट एक क्लियर कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने क्या रखा है। सबसे पहले रखिए सम बॉब पिंस एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्पेशली शादी के बाद ना, जो भी आपके बंस वगैरह हेयर स्टाइल बनाओगे, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी यार ये वाली यूज़फुल होती हैं। तो मैंने कुछ इस टाइप की बॉबी पिंस रखी हुई हैं जो कि बहुत काम आएंगी। द सेकेंड थिंग विच इज़ अ मस्ट हैव फॉर अ ब्राइड इज़ अ बिंदी का पत्ता एंड ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर मैंने बहुत गर्लिश से बिंदी रखी है, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर से स्टोन वाली है मल्टी कलर में एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस ऑफ दिस ब्रांड एंड मुझे काफ़ी सुंदर लगी। एंड स्टोन्स वाली बिंदियाँ यूजली थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है बट मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गई थी एंड सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा आपको गर्लिश लुक भी देती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ जूड़ा पिंस। अगेन एज आई सेड कि आपको जब भी आपकी शादी होती है ना, आपको बहुत सारे गेट टुगेदर्स में जाना पड़ता है, डिनर्स में जाना पड़ता है, अगर आपको हेयर स्टाइल खुद से बनाने हैं देन दीज विल बी रियली हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा काम आएंगी, स्पेशली इफ यू आर मेकिंग अ बन एंड किसी भी हेयर स्टाइल में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी दीज जूड़ा पिंस। सो मैंने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ही जूड़ा पिंस रखी थी एंड देन आई हैव सम क्लचर्स। आपको पता है कि कितने ज़्यादा ज़रूरी है, जितने हो उतने ही ज़्यादा कम लगते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है क्लचर्स। एंड देन आई हैव सम रबर बैंड्स, ये तो अगेन जितने हो उतने कम है यार, पता नहीं कहाँ गायब जाते, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4-5 रबर बैंड्स भी रखे हैं। एंड इसी के अंदर है हमारी सेफ्टी पिन। अगेन सेफ्टी पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस वाली किट में मैंने अपने जितने भी असेंशियल्स थे ना ऊपर की साइड में वो रखे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वाली पॉकेट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी कि आप काफ़ी कुछ और रख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड एंड दिस साइड आई हैव केप्ट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट। मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के एंड ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सही रेट में मिल गई थी। इसके अंदर ना 63 आई शेडो शेड्स हैं, लाइक इस ये वाली पैलेट अगर आपने ले ली ना, आपको किसी और पैलेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारे कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्राउन, न्यूट्रल्स, ब्लैक, एवरीथिंग, यू ब्लैक नहीं है सॉरी, ओके, बट बाकी सारे कलर्स हैं, यू ऑल कैन सी एंड दे आर सो प्रिटी। इसके अंदर मैट शेड्स हैं,
शिमर शेड्स हैं, ग्लिटर शेड्स हैं एंड थोड़े से जो शीन वाले होते हैं ना उस टाइप के शेड्स भी हैं. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट लगी ये वाली एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो है ही. एंड स्पेशली अगर आप ब्राइड हो ना, आपको पता है कि शादी के बाद ब्राइड कलर्स आपको वेयर करने पड़ते हैं एंड इस टाइप की आई शेडो पैलेट आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर सारे ब्राइट शेड्स हों. सो आई लव इट. ऊपर वाले सेक्शन में ही मैंने अपनी आई शेडो पैलेट के साथ ये रखी हुई है अपनी लिप लाइनर किट, बिकॉज यू नो लिप लाइनर्स को मैं एज ए लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा वाले मंगवाए हैं. लेट मी जस्ट ओपन इट. या सो इसके अंदर ये मैंने स्विस ब्यूटी का मंगाया है, इसके अंदर सारे शेड्स हैं यार, सारे शेड्स. एंड ये आई थिंक 350-400 रुपए की किट थी जिसके अंदर आपको 12 लिप लाइनर्स मिल जाते हैं. लाइक यूजुअली आप किसी ब्रांडेड लिप लाइनर लोगे ना, वो आराम से आपको 100 रुपए का मिनिमम मिलेगा, यानी 1200 की होगी. बट इसके अंदर आपको 380 एग्जैक्टली प्राइस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 380 में यू गेटिंग सो मेनी लिप लाइनर्स एंड इसके अंदर सारे कलर्स हैं. यू हैव न्यूट्रल्स, पिंक्स. मैं आपको एक दो स्वॉच भी करके दिखाती हूँ. वॉच दिस ब्यूटिफुल न्यूड शेड एंड देन एक ब्राइट रेड जो कि ब्राइडल्स के लिए होना ही चाहिए एंड अ पिंक शेड. सो कैन यू ऑल सी हाउ ब्यूटिफुल दे लुक. लाइक इसके अंदर आपको सारी वेरायटी मिल जाएगी, आपको इसके अलावा और कोई लिप लाइनर लेने की जरूरत भी नहीं है. एंड इसके अंदर काफ़ी सारे लाइक वाइन शेड है, ब्राउन शेड्स हैं एंड रेड के भी 2-3 ऑप्शंस हैं. तो बहुत सारी अच्छी वेरायटी एंड अच्छी क्वालिटी के आपको लिप लाइनर्स मिल जाते हैं. तो ये वाला भी मुझे लग रहा था कि यू नो दिस इज़ एन एसेंशियल एंड आपको इस टाइप का कुछ रखना ही चाहिए. प्लस इट इज़ वेरी वेरी लाइक कॉम्पैक्ट एंड छोटी सी पैकेजिंग में आ जाता है 12 लिप लाइनर्स. सो या दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. नाउ अगर आप इस वाली आई शेडो पैलेट को हटाते हो, इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है. आई नो गाइज, दिस वैनिटी इज़ वेरी वेरी स्पेशियस. तो इसके अंदर मैंने रखा है अपना स्किन केयर का सामान. ज़्यादा स्किन केयर तो मैंने नहीं रखा है, बट जितना भी मुझे एसेंशियल लग रहा था तो मैंने वो रखा हुआ है. लाइक दीज शीट मास्क. शीट मास्क यू नो दे जस्ट मेक्स यू फील सो बेटर. बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगते हैं, डी स्ट्रेसिंग होते हैं. शादी के वक्त ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है ना, तो थोड़ा बहुत पैम्परिंग सेशन के लिए इन स्किन केयर के लिए मैंने ये वाले शीट मास्क रखे हैं. वेरी अफोर्डेबल, देवर फॉर लाइक 50-60 रुपीज ईच. तो इस टाइप के आप शीट मास्क ले सकते हो. अदर देन दैट आई हैव ऑल्सो केप्ट अ नोज स्ट्रिप. जितने भी आपके ओपन पोर्स होते हैं ना, वो आप इससे आराम से रिमूव कर सकते हो. बहुत ईजी टू यूज़ है. यू जस्ट हैव टू अप्लाई सम वाटर एंड थोड़ा सा वेट करके नोज को जस्ट अप्लाई दिस एंड 10 मिनट के बाद इसको आप पील ऑफ कर दोगे ना, तो आपके सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. एंड देन आई हैव केप्ट अ पेयर ऑफ आई लैशेज. ये भी लैशेज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. एज आई सेड, लैशेज का एक दो पेयर तो होना ही चाहिए आपकी किट में. सो या इसी के साथ मेरी ऊपर वाला सारा कंपार्टमेंट मैंने खाली कर लिया. यू ऑल कैन सी एंड आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा ये स्पेशियस था. मूविंग ऑन टू दी अदर सेक्शन ऑफ दिस वैनिटी. नाउ गाइज, अभी नीचे वाला कंपार्टमेंट जैसे ही खोलते हो ना, अगेन यू कैन सी दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशियस एंड इसके यहाँ पर भी सामान है जिसके अंदर मैंने अपने मेकअप ब्रशेज रखे हुए हैं. नाउ एज आई सेड कि मैं आई बीन यूजिंग दिस वैनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो जब भी मैं अपना मेकअप करती हूँ ना, आई जस्ट कीप माई वैनिटी ऑन द टेबल लाइक दिस. मैं आराम से इसके अंदर से सामने से ब्रशेज निकालती रहती हूँ एंड सामने ही मेरे पास सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं. तो बहुत ईजी हो जाता है मेकअप करना भी एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है. नॉट ओनली दैट, लाइक इन दो कंपार्टमेंट्स के अलावा यहाँ पर भी जिप, यू ऑल कैन सी, जिसके अंदर मैंने खूब सारा सामान भर के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सो मैंने इस साइड में रखे अपने मेकअप के ब्रशेज जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे. अराउंड 300 के मुझे सारे ब्रशेज मिल गए थे. एंड ये वाले ब्रशेज भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. सो नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी के, आप डेफिनेटली ले सकते हो. सो इस साइड में मैंने अपने सारे के सारे मेकअप ब्रशेज रखे हैं जो कि सारे असेंशियल ब्रशेज हैं. लाइक फेस के लिए हैं, आई शेडो एप्लीकेशन के लिए हैं. दिस इज़ अ पेंसिल ब्रश, दिस इज़ अ आई शेडो एप्लीकेटर, दिस इज़ एंड दिस वन इज़ फॉर योर आईब्रोज. सो काफ़ी सारे अच्छे ब्रशेज मिल जाते हैं आपको इसके अंदर एंड क्वालिटी भी एज आई सेड काफ़ी अच्छी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड. अपनी वैनिटी को इस टाइप से रख लेती सो दैट आप लोग साथ साथ देख सको कि इसके अंदर कितनी सारी स्पेस है और कितने सारे मैंने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं. सबसे पहले वाले कंपार्टमेंट में ना इसके अंदर सारे आई प्रोडक्ट्स हैं एंड आई प्रोडक्ट्स के अलावा बस मैंने इसके अंदर एक मेकअप सेटिंग स्प्रे रखा हुआ है. सेटिंग स्प्रे इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप अपना मेकअप करते हो ना, उसको सेट करने के लिए आप इस टाइप का कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो. मैंने अपने किट में इनसाइड का रखा हुआ है एंड मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है. इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ जितने भी मेरे फेवरेट आई प्रोडक्ट्स हैं.
सो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है एक स्विस ब्यूटी का मस्कारा. लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल मस्कारा. इसकी पैकेजिंग ना मुझे बहुत सुंदर सी लगी है. इस मस्कारा के अलावा यू कैन ऑल्सो कीप लॉरिया लैश पैराडाइज. That one is also amazing. And look at the packaging. मैंने इसको अभी order करा है. मैंने इसको ज़्यादा use नहीं करा but जितना भी करा मुझे काफ़ी सही लगा. But my favorite is L'Oreal Lash Paradise mascara. वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गया, otherwise मैं वो ही अपने kit में रखती. So सबसे पहले तो ये वाला मैंने mascara रखा है. उसके अलावा guess करो मेरे पास liner कौन सा होगा. I have kept this Lakme का liner. मैं इसको कितना भी तारीफ कर लूँ उतनी कम है. सिर्फ 100 रुपये का लाइनर आता है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं यही यूज़ करती आई हूँ सालों से. एंड मैंने इसके अंदर वही वाले सामान रखे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उस टाइप के ही प्रोडक्ट्स रखे हैं. सबसे पहले मैंने अपना रखा है आई लाइनर. दिस इज़ लैकमे इंस्टा लाइनर. बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा लाइनर है. देन दिस इज़ अ वेट एंड वाइल्ड रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल. एक साइड आपको स्पूली ब्रश मिल जाता है और एक साइड आईब्रो फिलर. ये वाली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आईब्रो पेंसिल. यू ऑल कैन सी एक साइड इसके स्पूली ब्रश दिया हुआ है एंड द अदर साइड इट्स एन आईब्रो पेंसिल. देन आई हैव केप्ट अ काजल. काजल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो. मेबेलिन के काजल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं. प्लम के काजल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. एंड देन आई हैव केप्ट टू मेटालिक आई शेडोज. मैं इसको स्वॉच करके अपने हाथ पे दिखाती हूँ. सो एक मैंने रखा है थोड़ा सा मॉव शेड एंड एक मैंने रखा है थोड़ा सा शैम्पेन शेड जो मैंने अपनी आंखों पे भी आज लगाया हुआ है. I hope you all can see these two are the beautiful metallic eyeshadows and मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. एक मार्क्स का है एंड एक स्विस ब्यूटी का है. एंड दोनों अंडर 200 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे. एंड आपको बहुत ज़्यादा अगर आई मेकअप नहीं करना आता देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज वंस. ज़रा सा लगाओ एंड यू आर गुड टू गो. तो काफ़ी सही रहता है ये. तो ये वाला इसी के साथ मेरे ये वाला कंपार्टमेंट खाली हो गया है. एंड दूसरे वाले कंपार्टमेंट में रखे हैं मैंने दो नेल पेंट्स. नेल पेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वैनिटी में. गाइस यू ऑल कैन सी कि इसके अंदर मैंने एक गोल्ड नेल पेंट रखा हुआ है एंड द अदर वन इज़ अ ब्यूटिफुल रेड. अगेन रेड भी मस्ट हैव है ब्राइड्स के लिए. इसके अलावा मैंने इस टाइप के मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी रखे हुए हैं. मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी बहुत काम आते हैं. एंड ये मैंने सिर्फ 70 रुपीज़ का ऑर्डर करा था. ये कलर बार का ऑन द गो मेकअप रिमूविंग वाइप्स है. ये बहुत काम की चीज़ है. तो आप ये वाला डेफिनेटली अपनी वैनिटी में रखना. एंड देन एन आई लैश कर्लर. आई मीन अगर अपने मेकअप नहीं भी कराना यू जस्ट कर्ल योर लैशेज अप्लाई अ ब्राइट लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो. बहुत अच्छी लगती है आई लैशेज कर्ल करके. एंड मस्कारा का भी आपको प्रॉपर इफेक्ट तभी पता चलता है जब अपनी लैशेज को कर्ल करो. तो लैश कर्लर इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ आई हैव दीज टू थिंग्स इन माई लास्ट कंपार्टमेंट. इस वाले कंपार्टमेंट में मैंने रखा हुआ था. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वैनिटी इज कि आप इसको ना डिटैचबल इसके अंदर आपको ऐसा दिया हुआ है. तो आप अपने प्रोडक्ट जितना आपका प्रोडक्ट का साइज है ना उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. तो दिस इज एडजस्टेबल. तो आप यू नो बहुत अच्छे से इसको कस्टमाइज कर सकते हो. नाउ ये दोनों ही चीजें मुझे ब्रशेस के साथ फ्री मिली थी. इट्स अ ब्रश क्लीनिंग पैड. तो आप इसको थोड़ा सा अपने ब्रश को सोप में डिप करो एंड देन यू कैन जस्ट रब ऑन टॉप ऑफ दिस सिलिकॉन पैड एंड आपके ब्रशेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं. एंड देन आई हैव दिस ब्यूटी ब्लेंडर. इसकी क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट बट इसकी जगह आई विल रिकमेंड मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने आपको अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखाया था. दैट वन वॉज मच बेटर बट ठीक है फ्री में आया था तो मैंने इसको अपनी वैनिटी में भी फिलहाल के लिए रख लिया है. लेट्स मूव ऑन टू दिस कंपार्टमेंट. इसके अंदर मैंने रखा है अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर. मैंने बहुत बार बताया दैट आई लव दिस कंसीलर एंड ये अगेन अंडर 200 रुपीज़ आता है. बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छी कवरेज देता है एंड अंडर आइज को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. आई लाइन्स को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करता है. तो आई लाइक दिस कंसीलर. एंड देन दो फाउंडेशन मैंने रखे हैं. वन फॉर डेली वेयर लाइक दिस वन. दिस वर्क्स लाइक अ बीबी क्रीम. वेरी लाइट वेट, वेरी ब्रीदेबल एंड लुक्स नेचुरल ऑन योर स्किन. आई एम इन द शेड 220. Yeah, in the shade 220 and this is a Fit Me foundation Maybelline and मैंने full coverage foundation भी Maybelline का ही रखा है. This is a Maybelline Super Stay foundation and इसके अंदर भी मेरा shade है 220 natural beige. तो दोनों में उन्हें 220 shade रखा हुआ है एंड दोनों ही foundation मुझे अच्छे लगते हैं. This one is good for daily wear. ये वाला मैं mostly parties वगैरह के लिए use करती हूँ. And then I've kept a color bar primer एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड सिंस आई हैव ओपन पोर्स एंड ऑयली स्किन सो मुझे इस टाइप के सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखाती हूँ. सो आप देख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है एंड ये बिल्कुल सिलिकॉन बेस्ड होता है एंड एकदम से मैट कर देता है आपके फेस को एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है आपके फाउंडेशन की इसके बाद.
एंड धीरे धीरे मेरी किट एकदम खाली होती जा रही है। यहाँ की साइड मैंने रखी है अपनी सारी फेवरेट लिप शेड्स एंड उसके अलावा मैंने एक रखा है शार्पनर। तो जितनी भी आपकी आई पेंसिल्स होती है, काजल पेंसिल्स, लिप लाइनर्स, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ ज़रूर रखो। इसके अंदर दो सेटिंग्स हैं, दो टाइप के शार्पनर्स हैं, एक थोड़ी पतली वाली पेंसिल्स के लिए और एक जितनी भी आपकी थिक पेंसिल्स होती हैं उसके लिए। तो आप इस टाइप का शार्पनर आपको किसी भी लोकल कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर मुझे इस टाइप का कुछ लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने 50 या 100 रुपीज़ का लोकल शॉप से लिया था। सो या एंड देन उसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपके 5 मस्ट हैव शेड्स इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्विस ब्यूटी के दोनों शेड्स। फर्स्ट वन इज अ न्यूड लिपस्टिक एंड बहुत सुंदर सा ये न्यूड है, मैं आपको दिखाती हूँ हल्का सा लगा के। एंड दिस वन इज अ वेरी प्रिटी पिंक कलर का लिपस्टिक। सो गाइस यू ऑल कैन सी कि दोनों ही स्विस ब्यूटी के शेड्स हैं, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे पास 3 और शेड्स हैं इनसाइड के, वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट वन इज अ वेरी प्रिटी इनसाइड का, इट्स लाइक अ डस्टी रोज कलर, बहुत सुंदर लगता है लगाया हुआ। इसका शेड नंबर है 25 मोल्टन पिंक एंड देन आई हैव दिस ब्यूटिफुल सैटिन रोज कलर। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ पिंक एंड रेड एंड देन आई हैव अ प्रॉपर ब्राइट ब्लड रेड कलर। ऑल कैन सी कि यहाँ के साइड तीनों ही इनसाइड के शेड्स हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर शेड्स हैं। सो मैंने इसके अंदर एक न्यूड रखा है, एक पिंक रखा है, थोड़े से ब्राइट शेड्स भी रखे हैं। सो इस टाइप के शेड्स आपके पास आपकी वैनिटी में होने ही चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ फेसेस का, फेसेस कैनेडा का सिंदूर। तो अगर आप ब्राइडल हो, ब्राइड टू बी हो, तो आपकी वैनिटी में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो दिस इज़ अ सिंदूर एंड काफ़ी अच्छे ब्रांड का है एंड सिर्फ 100 रुपये या समवेयर अराउंड दैट ही था। अगेन प्राइजेज एंड लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट करना। सो दिस इज़ अ सिंदूर एंड देन हमारे पास सिर्फ 2 कंपार्टमेंट बचे हैं इस वाली साइड पे। सो यहाँ पे मैंने रखा है अपना फेवरेट हाईलाइटर, गेस करो कौन सा है ये वाला। दिस इज़ अ मेबेलिन का हाईलाइटर, दिस इज़ मास्टर क्रोम हाईलाइटर एंड मैंने अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ये वाला हाईलाइटर यूज़ करा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शाइन देता है एंड बहुत ज़्यादा लाइक चंकी ग्लिटर नहीं लगते, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एंड देन अगेन मेबेलिन का ही मैंने लूज पाउडर रखा है। लूज पाउडर का शेड लिए वो लिए लाइट मीडियम, ये मेरी स्किन टोन पे काफ़ी अच्छे से जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला लगाया हुआ एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके बेस को सेट कर देता है। एंड देन आई हैव अ लिप ग्लॉस हेयर, ये मैंने रेने की लिप ग्लॉस मंगवाई थी बहुत सुंदर से पिंक कलर के शेड में, लगाया हुआ बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको हल्का सा हाथ पे लगा के ही दिखाती हूँ। लाइक कैन यू ऑल सी, मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का ग्लॉस लगाया, ये बहुत सुंदर सा रहने का ग्लॉस है। सो इफ यू आर इन टू ग्लॉसेस देन डेफिनेटली एक ग्लॉस तो रखना ही चाहिए। मैंने ज़्यादा ग्लॉसेस के ऑप्शंस नहीं रखे बिकॉज आई यूजली लव लिक्विड मैट लिपस्टिक्स एंड देन आई हैव दिस पैलेट। इसके अंदर मैंने अलग से ब्रॉन्जर ब्लशर नहीं रखा है, मुझे ये वाली पैलेट काफ़ी अच्छी लगी थी मार्स की, तो मैंने यही वाली पैलेट रखती है। इसके अंदर आपको हाईलाइटर भी मिल जाता है, ब्लशर भी एंड ब्रॉन्जर भी एंड दिस पैलेट इज़ अगेन वेरी अफोर्डेबल, अराउंड 350 रुपीज़। इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी डील लगी, प्लस इट हैज़ अ बिग मिरर, तो आप इसके अंदर ही देख के अच्छे से अपना मेकअप भी कर सकते हो। एंड इन माई लास्ट कंपार्टमेंट आई हैव केप्ट अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ मिनीसो परफ्यूम। अगेन आप कोई भी ब्रांड का परफ्यूम रख सकते हो, बट आई जस्ट लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है एंड ये अंडर 500 रुपीज़ ही है, तो मुझे ये वाला परफ्यूम काफ़ी सही लगा। आप एक परफ्यूम ज़रूर रखना अपनी वैनिटी में बिकॉज ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू स्मेल गुड, जस्ट लुक एट द बॉटल, इट जस्ट लुक सो प्रिटी। एंड इसी के साथ यहाँ की पूरी मेरी किट खत्म होती है, मैंने सारा सामान आपको दिखा दिया। अब देखते हैं इस वाले में मैंने क्या रखा है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी एंड बहुत ज़्यादा स्पेशियस वैनिटी है। इसके अंदर मैंने रखा है एक मेकअप रिमूवर, गार्नियर का माइसेलर वाटर रखा है। इसके अंदर आप ऑयल बेस भी ले सकते हो अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप आप यूज़ करते हो। आई डोंट यूज़ वाटरप्रूफ मेकअप एज सच, सो आई जस्ट कीप द रेगुलर वन एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी टाइम तक चल जाता है, तो आपको एक मेकअप रिमूवर भी रखना चाहिए। एंड देन आई हैव अ पेयर ऑफ आई लैशेज वंस अगेन, ये वाली आई लैशेज मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दीज आई लैशेज आर हैवी, सो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो देन मैं इसको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि पार्टीज वगैरह के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सही लगेगी इस टाइप की हैवी आई लैशेज। देन इस वाली किट में ही ना भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा था, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप यू 2-3 प्रोडक्ट्स जो आप इसके अंदर रख सकते हो अपनी वैनिटी में। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस वन। नाउ आपको पूरा का पूरा आपको बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक
अ बंच ऑफ क्यूट टिप्स जो कि आपको मेकअप के टाइम काफ़ी ज़्यादा काम आएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेकअप कर रहे हो एंड अगर आपकी आईज वॉटरी हो रही है, यू कैन जस्ट टेक दिस एंड यू नो यूज इट. या फिर अगर आपका आई लाइनर खराब हो गया एंड आपको पूरा मेकअप नहीं खराब करना, तो आप सिर्फ इससे ही ठीक कर सकते हो. अपनी लिपस्टिक भी ठीक कर सकते हो. जस्ट टेक, यू कैन जस्ट डिप इट इन योर माइसेलर वाटर एंड उससे आप अपना मेकअप ठीक कर सकते हो. सो आप इसको ऐसा रबर बैंड से लाइक इसका एक बंच बना के अपनी किट में डाल लो. एंड ये भी बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ थी. एंड देन आई ऑर्डर दीज फ्रॉम मिनीसो. अमेजोन से ही मंगवाए थे, उनके पास मिनीसो के कॉटन पैड्स थे. इसके अंदर है 180 पीसेस एंड एंड 145 का था. इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पीसेस मिल जाते हैं एंड मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के हैं. सो दीज आर लाइक स्क्वेयर कॉटन पैड जो आप अपने माइसेलर वाटर के साथ यूज़ कर सकते हो. जस्ट टेक सम एंड रिमूव योर मेकअप. अगेन दीज आर ऑल्सो रियली असेंशियल. आप अपने मेकअप वाइप्स के अलावा दो तीन आई वुड से इसके अंदर भी आप पूरा मत रखो अपनी वैनिटी में, बिकॉज दिस इज क्वाइट बल्की. तो आप इसके अंदर से तीन चार कॉटन पैड्स या पाँच छः कॉटन पैड्स लेके अपनी किट में डाल लो. सो दैट यू नो जब भी आपको, यू नेवर नो कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए. सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो. नाउ माई लास्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ वेरी असेंशियल प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ हेयर ब्रश. ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, आई थिंक 150 रुपीज़ का. क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. दिस इज़ लाइक अ पैडल ब्रश. तो आप इस टाइप का एक ब्रश ज़रूर रखना अपनी वैनिटी में. इस टाइप के ब्रश से ना आपके बाल बहुत जल्दी डिटेंगल हो जाते हैं, प्लस हेयर फॉल कम होता है. सो मुझे इस टाइप के ब्रशेस काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक ये वाला ब्रश भी ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी वैनिटी में रखो. On that note, guys, that is all for today's video. I know ये वाली video थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई. I think हो गई होगी because I've been recording for almost 40-45 minutes now. So yeah, I hope कि आप लोग की वाली video अच्छी लगी है and आपको helpful लगी है. आपको video अच्छी लगी है, so don't forget to give it a big thumbs up and also please subscribe to my YouTube channel. नहीं करा तो जल्दी से subscribe कर लो and also please hit the bell icon so you get notified every time I upload a new video. And next video में होने वाला है giveaway. So stay tuned for that and follow me on Instagram अगर अभी तक नहीं करा तो. And I will see you in my next video.